Assalamu alaikum guys, welcome to Paragliding Chronicles once again. आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस्लामाबाद में लोग गैदर अप हुए हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस. सी द क्रैप वी हैव अराउंड. आई मीन दिस इज द सीन वेयर एवर यू गो. कहीं भी आप जाएं आपको कचरा हर जगह मिलेगा. सो वी आर गैदरिंग टुडे टू प्रिवेंट दैट. ओके गाइस, वी आर अबाउट टू गेट स्टार्टेड विद दीस गाइस. दे आर हैंडिंग अस ओवर द ग्लव्स. सफाई मुहिम स्टार्ट हो रही. See the school kids, other enthusiasts, and all the people are just gathered here. And you know, I asked them what group I would love to join, and I told them I would like to join the kids because they are our future, and I would love them to add value into this beautiful environment. And this, हमारे साथ हैं नुमान भाई. This is Numan as well. So two Numans here. And Numan भाई, आज हम क्या करने जा रहे हैं? Why do I have gloves in my hands? Actually, हम लोग जो हैं आज World Environment Day हैं. वो basically गुजर तो चुका है, लेकिन हम उसकी celebrate करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. Different groups के साथ और university के साथ हमने collaboration की है. और आज हम जो किनारा park है, जो हमारी wetlands में आता है, तो उसकी preservation के लिए, उसकी cleaning के लिए हम आए हैं. आप देख सकते हैं कि कितना litter हुआ है. Yes, there is litter everywhere, भाई. ये तो common scene है हमारे. आपको मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पे जो फॉरनर्स हैं वो आते हैं, ये रॉयल बोट इसको कह लें, ये इसको एंजॉय करने. राइट. ठीक है, तो हम फॉरनर्स को क्या इमेज दे रहे हैं? मुझे ये चीज़ समझ में आ रही कि ये हम कचरा उनको दिखा रहे हैं कि हम कितने सफाई पसंद हैं. और आई एम वेरी सॉरी टू से कि हमारी एक कौमी निशानी है कि हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जाते हैं ना, तो हमारा एक जेस्चर होता है जिसको देखते साल ही पूरी दुनिया के लोग समझ जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है. वो है लिटर. जो खाया पिया उसको उधर ही फेंक दिया. मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल, 2 किलो का बैग हम वो कैरी करके ला सकते हैं, लेकिन उसके जो डिस्पोज मटीरियल है वो कुछ ग्राम्स का बच जाता है, वो हम कैरी नहीं कर सकते. तो फॉर गॉड गाइस, मेक दिस चेंज, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. सी यू अराउंड गाइस. थैंक यू नुमान. दिस इज उस्मान इम्तियाज मलिक फ्रॉम साफ मल्ला साफ पाकिस्तान. और आज हमारे साथ 16 बच्चे भी आए हैं. सफा मेरा प्राइमरी स्कूल है बेसिकली, और इसके सारे बच्चे यहां पे हैं. द क्लीनिंग प्रोसेस इज जस्ट गॉट स्टार्टेड, सो वी विल पिक अप आवर फर्स्ट लिटर. इट सेज हॉट. इट्स नॉट हॉट मैन, इट्स क्रेजी. तो दे आर कलेक्टिंग प्लास्टिक. प्रोबेबली प्लास्टिक. प्लास्टिक है. अच्छा, सी बच्चे जो लिटर कलेक्ट कर रहे हैं जो रिसाइकलिंग के लिए, दे आर बेसिकली कलेक्टिंग देम सेग्रीगेटेडली. प्लास्टिक को सेपरेट कलेक्ट कर रहे हैं, फूड को सेपरेट कलेक्ट करेंगे, एंड पेपर एंड अदर मटेरियल सेपरेटली. आई एम मियां शाहिद हामिद. और वेलकम जी. मैं जो है वी फिक्सर का पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी हूँ. और वी फिक्सर एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. हमारा मेन फोकस जो है वो क्लाइमेट पे है, कि जिस तरह क्लाइमेट आजकल जो चेंज हो रहा है या काफ़ी उसके हवाले से. दूसरा जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, और तीसरा ये जो वेस्ट है पोल्यूशन है उसके हवाले से. आज हम जो इस एक्टिविटी में शामिल हुए हैं, वर्ल्ड वाइफ लाइफ की तरफ से उन्होंने हमें जो है इन्विटेशन दी थी, तो हम उसके लिए आ जाए हैं. हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस अज़म के साथ आए हैं कि भाई हमने इधर जो है जो कचरा है, इधर नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क में जिधर भी हमें कोई प्लास्टिक नज़र आए, कोई गन नज़र आए, तो हम उसको जो है वो उठाएं, रिसाइकल उसको, करें, उसको एक प्रॉपर जगह पे रखें, उधर से रिसाइकल करें. क्योंकि हर जगह पे और पूरी दुनिया में जो है ना टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता मतलब है कि वो अप हो रही है, बेहतर जो है वो हम एज़ अ सपोर्ट करेंगे. नाइस मीटिंग यू जी. थैंक यू सो मच. में तो गुड लक. थैंक यू. गुड ऑफ. मैं थैंक देती पाकिस्तान की तरफ उनको प्रॉपरली. वहाँ पर तेल भी चेंज करो, आपको पता होगा, तो वो कितना आपको $3 चार्ज करना पड़ता है. पुराना तेल उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, पहले उसको क्लीन करना है. इससे पहले उसको कहाँ हमारे यहाँ तो नाली में बहा दो. नाली में बहा दो. एग्जैक्टली. वो आप पाकिस्तान भेज देते अपना कचरा के लोगों को. टू क्लीन एनवायरमेंट ब्रिंग मेक अवेयरनेस स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द रूरल स्कूल्स, नॉट जस्ट आप बना रहे हो. इट्स जस्ट नेचुरल, बट इट्स नॉट लाइक जस्ट फॉर educated private school mein bache ho look in my picture I'm cleaning, I'm picking trash, this is fine, this is very good because they are educated, they can lead. But it's also about the Islamabad wildlife management board. Imran bhai, aaj hum yahan pe kya kar rahe hain?
सर ये बायोडाइवर्सिटी डे है और हम नेशनल पार्क है और उसमें लोगों ने बेइंतहा कचरा जो है यहाँ पे फेंका हुआ है, तो हमारा यही पैगाम है कि आप इस नेचर को एंजॉय करें लेकिन इसका ख्याल भी रखें, कचरा ना फेंकें, जंगली जानवरों का ख्याल करें, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। तो हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस जाए इस क्लीन अप एक्टिविटी से और लोगों को पता लग सके कि ये नेशनल पार्क है क्या, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इसको तहफ़ देना हम सब पाकिस्तानियों का हक है और काम भी है, फर्ज भी है, ताकि इसमें जो जंगली हयात हैं, इसमें जो आबी हयात हैं इस रावल डैम में उनको तहफ़ दिया जा सके। थैंक यू सो मच इमरान भाई। ओके गाइस, सो यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग, एज यू कैन सी द किड्स बिहाइंड मी, दे आर ऑल क्लीनिंग, दे आर बिजी क्लीनिंग, दे आर एडिंग वैल्यू टू द एनवायरनमेंट। आप लोगों ने कचरा फैलाया, ये बच्चे साफ करने आए हैं, सो चेक इट आउट मैन, शाबाश बच्चों, गुड वर्क। ये हैं इस वक्त हम रावल डैम में और ये देखें कितना कचरा हर तरफ, कचरा सफाई मुहिम चल रही है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के तावन से। सो कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, दैट इज़ द मोटिव, दैट इज़ द मिशन। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नौशीन इज़हार भट्टी। नौशीन, आप क्या करती हैं? मेरी एनजीओ है, मैं अपनी एनजीओ रन करती हूं। अच्छा, तो आपकी एनजीओ क्या काम करती है? हमारी एनजीओ एजुकेशन पे, मेडिकल पे, हर चीज़ पे काम करती है। ज़्यादातर हम लोग स्लम एरिया को कवर करते हैं। स्लम एरियाज में जाकर आप लोग क्या करते हैं और क्या वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं लोगों की लाइफ में? एजुकेशन वगैरह देते हैं और उनको मेडिकल जो होती है फैसिलिटी देते हैं और बाकी राशन वगैरह का होता है हम लोग डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और उन तक पहुँचाते हैं और साथ ही कि उनको जो है वो अवेयरनेस भी देते हैं, जो भी हम लोग पास नॉलेज होती है हम कहते हैं उनके पास भी जाया जाए, भी कुछ सिखाया जाए। वेरी गुड। देखें जी, अगर आप ढूंढना शुरू कर दें तो देर आर वेरी नाइस पीपल डूइंग वेरी नोबल ड्यूटीज़। ये लोग दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग द पीपल ऑफ द स्लम्स, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, लेस प्रिविलेज हैं, उनको जाके तालीम दे रहे हैं, उनको हेल्थ केयर दे रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। गाइस, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप अप द गुड वर्क मैम। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब सिर्फ लड़के ही जो है कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं लड़कियों को भी जो है वो इस माशरे में मुस्बत किरदार होना चाहिए। True. मतलब गर्मी में निकल के लोगों के साथ फंड्स इकट्ठे करना, उन तक जाना, डिस्ट्रीब्यूट करना एक मुश्किल काम है। इट इज़, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती, और हमारे इस तरह से जो है दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। जो ऑर्फन्स बेबीज होते हैं उनका भी हम लोग कवर करते हैं, जो बच्चे होते हैं और जो कूड़े वगैरह से खाना वगैरह खाते हैं, कचरा वगैरह उठाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई विल शेयर देयर लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक दीज गाइज एनजीओ आउट एज वेल, हेल्प देम आउट, बी अ पार्ट ऑफ देम और अच्छे काम करते रहो, सब्सक्राइब कीजिएगा। या श्योर। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आए हुए हैं, वॉलंटियर्स आए हुए हैं वैल्यू ऐड करने के लिए। सर हमारे साथ हैं। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? जफर इकबाल। जफर इकबाल साहब इज़ फ्रॉम वी फिक्सर्स, वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं हम और प्लांटेशन वगैरह करते रहते हैं, थोड़ा बहुत और भी सोशल काम होता है वो भी कर लेते हैं। सो मेनली जो है ना वो लाइक क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज, सो क्लाइमेट चेंज इट इज़। Add the value. मैं सर की ऑर्गेनाइजेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में शो करूँगा, गाइज डू चेक इट आउट एंड ट्राई टू एड इन योर पार्ट ऑफ द वैल्यू एज वेल। थैंक यू। तो कचरा साफ करो मुहिम का ये इंजाम हुआ, दो घंटे में इतना सारा ट्रैश इकट्ठा हुआ और मज़ीद होता जा रहा है। ये नुमान भाई फर्दर और ट्रैश लेकर आ भी रहे हैं, अब्बास भाई एंड ऑल द टीम इज सपोर्टिंग हियर जी। वी फिक्स, डिफरेंट एनजीओस से लोग आ जाए हुए हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस कॉज ऑफ कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन, दैट इज़ वाई वी आर हियर, इस एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए। वो एरिया हम लोगों ने काफ़ी साफ़ किया और अभी देखें वहाँ भी लोग सफाई कर रहे हैं, मतलब ये टोटल खाना पूरी नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ कैंपेन, ग्रो दिस कैंपेन गाइस, दिस ब्यूटीफुल इस्लामाबाद डिजर्व्स योर अटेंशन, गिव इट योर अटेंशन, गिव दिस ब्यूटीफुल सिटी योर टाइम एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट। आपको भी खुशी मिलेगी, अपने मुल्क को साफ रखे, अल्लाह ताला भी खुश होंगे और जो बाहर से लोग आएंगे वो भी कहेंगे यार एक गंदे लोग नहीं ने। विद दिस नोट आई एम जस्ट कमिंग टू एन एंड, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।